दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले कमिंग एग्जाम में हम अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग मार्क्स ला सकें, उसके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा टाइम टेबल हम बनाएं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें आ गई हैं। अगर मैं बात करूं कि ट्यूशंस की, तो आजकल ट्यूशंस भी रेगुलर नहीं है। किसी दिन आपका ट्यूजडे, थर्सडे, सैटरडे ट्यूशंस होता है, किसी सब्जेक्ट का आपका मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे होता है, किसी सब्जेक्ट का आपका सिर्फ वीक में टू डेज होता है, किसी का सिर्फ संडे होता है। ये टाइम ऐसा है कि आप रेगुलर स्कूल्स भी नहीं जा रहे, तो रेगुलर घर पे भी नहीं है। मींस कि कभी प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं या स्कूल वालों ने बुला लिया कि भाई आज 3 घंटे की क्लास है, आज हम इस टॉपिक पे स्टडी करेंगे, तो इन सारी चीजों में आप फंसे हुए हैं कि भाई आखिर हूं क्या मैं और इसके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा टाइम टेबल बनाऊं। तो इन झंझटें जितने भी हमारे साथ हमने चल रही हैं, इसके बिहाफ पे हम एक बेस्ट टाइम टेबल बनाएंगे, वो फंडामेंटल्स जो रूल हैं उसके साथ। तो वो सारे पॉइंट्स मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, और साथ में जो मेरा बेस्ट एडवाइस है जो मैंने इतने सारे बच्चों को टाइम टेबल्स बना के दिए हैं और सबने कहा है कि वाकई सर ये मेरे लिए बेनिफिट है, वो मैं सारा ऐसे सेंड में बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन नहीं किया है तो प्लीज ऑन कर लीजिए, इससे हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश, स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल। तो दोस्तों नंबर वन पे मैं रखना चाहूंगा कि राइट डाउन टू द नेम योर सब्जेक्ट, लाइक आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले उसकी एक लिस्ट बनाइए। और जैसे ही आपने इसको नोट डाउन किया, उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है कि कैलकुलेट द टाइम दैट यू हैव बीन स्टडी। मींस कि दिन में बहुत से काम होंगे, रेगुलर आपकी 3 ट्यूशंस नहीं हो सकती, 3 में से कोई 2 होगी, कन्फर्म है कि 2 होनी है तो 2 लीजिए, अगर कन्फर्म है कि नहीं 1.5 घंटे की मेरी एक ट्यूशन होती है, आने जाने में 30 मिनट्स जाना, 30 मिनट्स वहाँ से आने में, ये टाइम कंज्यूम है, मींस मेरे दिन के 3 घंटे ट्यूशन में चले जाते हैं। उसके बाद कितने देर आप स्लीपिंग आवर्स को देते हैं, कुछ बच्चे 5 घंटे देते हैं इस टाइम पे, कुछ 6 घंटे, कुछ 7 घंटे, और इसका कोई कैलकुलेटेड वर्क नहीं है कि आप कितने घंटे सोएंगे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने घंटे सोना चाहते हैं। 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सुलवा लो भाई 8 घंटे 10 घंटे, वो भी कम है। चलिए ये विषय नहीं है, आज का है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो आपने ट्यूशन का टाइम निकाल दिया, स्लीपिंग आवर्स निकाल दिए, कुछ ऐसे एक्टिविटी जो आपको घर के भी काम करने होते हैं, गर्ल्स हैं तो उन्हें घर का भी काम करना होता है, तो वो आप टाइम निकाल दीजिए कि मुझे सुबह के 2 घंटे या फिर शाम को 1 घंटा अपना होमवर्क जो घर से रिलेटेड वर्क है उसमें जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं इन सब हटाने के बाद 24 आवर्स में आप देखिए कि आपके पास कितना आवर्स पढ़ने के लिए है। कुछ बच्चों के पास 4 आवर्स होगा, कुछ बच्चों के पास 6 आवर्स हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ जब आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो मैक्सिमम 3 आवर्स 4 आवर्स ऐसे आपको मिलेंगे। अब पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आपके पास 4 आवर्स भी हो सकता है, कभी 6 आवर्स भी हो सकता है, और किसी दिन 8 आवर्स भी हो सकता है। ये डिपेंड, जो आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, किसी दिन नहीं हुए तो आपको स्टडी का ज़्यादा टाइम मिलेगा। मेरा सिर्फ एक ही मानना है, जो मैं थर्ड पॉइंट कहने जा रहा हूं, वो सिर्फ मैं सोचता हूं ऐसा, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, क्या मैं जानना चाहूंगा इस कमेंट में कि क्या ये बेस्ट वे है या नहीं। क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि भाई 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ लेना या 2 घंटे फिजिक्स पढ़ लो, 3 आवर्स अगर आपको लगता है कि मेरी केमिस्ट्री और मैथ्स वीक है तो उसको दे दो, इंग्लिश अगर आपकी ज्यादा वीक है तो इंग्लिश को रेगुलर 1 आवर्स दो, ऐसा कहना कहीं ना कहीं टाइम टेबल को बेकार करने के बराबर है। मींस जो आपने अपना 1 घंटा 1.5 घंटा समय देके ये टाइम टेबल बनाया है वो कल फॉलो नहीं हो पाएगा, ये रियलिटी है, इस बात को मानिए। तो सर वो थर्ड पॉइंट है क्या? वो थर्ड पॉइंट सीधा है कि जब कभी भी आप सुबह उठते हैं, मींस 2 टाइम तो फिक्स हो भाई, कि रात को अगर मैं सोने जा रहा हूं तो 10:30 से 12 1.5 घंटे ये मुझे पढ़ने हैं। अगर आप लेट नाइट पढ़ना चाहते हैं तो 12:15 से 2:15, मींस 15 मिनट का गैप हुआ और 12:15 to 2:15 मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। मीन्स 2 सब्जेक्ट आप फिक्स कर लीजिए, आपके पास 5 सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट है, इसमें 2 ऐसे सब्जेक्ट जो ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं आपको वो 2 टाइम तो फिक्स रखिए। मीन्स नाइट में अगर आप पढ़ते हैं तो भैया ये सब्जेक्ट तो नाइट में कन्फर्म है, मतलब रेगुलर 7 डेज में 6 डेज मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ट्यूशन का कितना भी होमवर्क हो वो बाद में देखेंगे, पहले इस सब्जेक्ट में अपना सेल्फ स्टडी का टाइम है इसी को दूंगा। अब बात आती है कि दिन में आपको बहुत सारे ऐसे टाइम कब मिलेंगे, उसका सिंपल एक ही तरीका है मेरे भाई कि सुबह उठने के बाद आप देखिए या फिर नाइट में सोने से पहले कि नेक्स्ट डे मेरे पास क्या क्या काम है, क्या मुझे ट्यूशन जानी है, हाँ मुझे 1 ट्यूशन जानी है,
तो मेरा 2 घंटा वहां चला गया। मुझे ये कल ये काम करना है, मुझे कल वो काम करना है, घर के काम हो सकते हैं, जो 3-4 वर्क आपको मिले इसको साइड करिए और देखिए कल कितना आपको टाइम मिलता है। अगर आपके पास 6 आवर्स है तो उसमें 2 घंटे तो अपने वो नाइट वाली स्टडी के लिए हो गया, उसके बाद 4 घंटे में आप बाकी के अदर सब्जेक्ट को, 5 मिनट लगता है कि भैया आज 1.5 घंटे में ये पढ़ूंगा, 1.5 घंटे वो पढ़ने वाला हूं और 1 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। मीन्स रेगुलर आज से आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 1 साल नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ, किसी के पास 15 दिन होगा, किसी के पास 20 दिन, किसी के पास महीना, किसी के पास 1.5 महीना, इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा। इस टाइम को एक रेगुलर वे में बात करना कि पहले 2 घंटे इसको, 1 घंटे उसको, ऐसा चल ही नहीं पाएगा और ये टाइम टेबल किसी का आज तक सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। तो इसका सिंपल एक ही तरीका है कि हर दिन सुबह उठिए या फिर नाइट में सोने से पहले कि नेक्स्ट डे कौन कौन से ऐसे घर के काम है या अदर एक्टिविटी है अपार्ट फ्रॉम स्टडी, उसको निपटाने के बाद मेरे पास कितना समय बचता है और उसको दीजिए। मान लेते हैं कि सुबह की, अगर आपने नेक्स्ट डे सुबह डिसाइड करा कि मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं, अब बात आई कि सबसे पहली जो मेरी स्टडी आवर्स होगी वो 10-12 PM तक होगी। अब हुआ यूं कि घर के कामों में या फिर सुबह उठते वक्त आप 10 o'clock उठे, फ्रेश होते वक्त 10:30 हो गया, आपको लगा रहा है यार आज का तो टाइम टेबल ही बेकार हो गया भाई, 10 बजे से पढ़ना था 10:30 बजे बैठ रहे। अरे कोई बात नहीं, आधा घंटा चला गया कोई इशू नहीं है, आप उस 1.5 घंटे को कैलकुलेट करिए। मीन्स कि पूरे दिन का टाइम टेबल आपका खराब नहीं होगा, सिर्फ 10-10:30 गया है, बाकी 10:30 से लेके 12 आप 1.5 घंटा तो उस चीज को पढ़ सकते हैं और दिन का सारा शेड्यूल चलेगा। अब आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर दिन भर टाइम ही टेबल बनाते रहे क्या, मतलब हर रोज टाइम टेबल, भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ के यही टाइम टेबल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 दिन करके देखिए कितना समय लगता है, हमने तो रेगुलर का काम है भाई, रोज कर रहे हैं ये चीज और करवा रहे हैं स्टूडेंट से, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। एक अच्छा पेपर में लिखने में भी क्या इस दिन में क्या क्या करूंगा, 2 मिनट लगता है पेपर पे नोट करने में। और मैं सच कहता हूं कि सिर्फ ईंट जोड़ने से घर नहीं बनता, उसके लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, तो आपको ये चीज बनानी ही पड़ेगी। अब मैं ये कहूं कि 10 दिन देखिए कि आपके पास क्या क्या टाइम मिलता है, फिर उसके अकॉर्डिंग टाइम बने, पता चला 10 दिन बाद भाई एग्जाम आ गया, तब क्या करोगे सिवाय माथे पे हाथ रखने के कि भाई यार निकाल दी भाई, फिर लोग पूछेंगे कैसा गया, चला गया, छोड़ना यार, अब आगे देखेंगे। टाइम टेबल का सिर्फ इतना मतलब है कि क्या मैं उसे फॉलो कर पा रहा हूं या नहीं, नहीं तो क्यों नहीं। तो ये सारे सवाल जो हैं ये बहुत पहले ढूंढने थे, गलतियां हो चुकी हैं उसे इग्नोर करिए और अब सिर्फ रेगुलर सुबह उठते वक्त जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले डिसाइड हो चुका है, अब नेक्स्ट डे क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा इस टाइम टेबल से। क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।